नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं अपर्णा। मौसम खबरों की शुरुआत कर रहे हैं जबलपुर की खबर के साथ, जहां पुलिस थाने के स्टाफ की गुंडागर्दी देखने को मिली है। बीजेपी कार्यकर्ता के साथ मारपीट की है। पुलिस वेरिफिकेशन के लिए आया था कार्यकर्ता, एएसआई और दो पुलिस वालों पर मारपीट के आरोप लगे हैं। बीजेपी विधायक अशोक रोहाणी ने कार्यकर्ताओं के साथ धरना दिया, करीब एक घंटे तक थाने परिसर में बैठे रहे। तस्वीरें आप उस वक्त की देख रहे हैं। विधायक के धरने के बाद मारपीट करने वाले पुलिस वालों को एसपी ने लाइन अटैच कर दिया है। शेड्यूल की बात करते हैं, जहां राजस्व कर्मचारी का हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला है। ट्रांसफर से नाराज तहसील का बाबू पेड़ पर जा चढ़ा, पेड़ पर चढ़कर फांसी लगाने की धमकी देता रहा। नकल शाखा से ट्रांसफर होने से ये बाबू नाराज हो गया था, और नाराजगी इस कदर देखिए कि बाबू साहब पेड़ पर जाकर चढ़कर बैठ गए। अपनी नाराजगी को जाहिर करने के लिए फांसी लगाने की धमकी देने लगे। नकल ब्रांच से ट्रांसफर हो गया था साहब का, साहब को यह ट्रांसफर ऑर्डर पसंद नहीं आया, रास नहीं आया, और उसके बाद देखिए किस तरह से अपनी नाराजगी जाहिर की है, वो आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। आनन फानन में मौके पर एसडीएम पहुंचे, ट्रांसफर कैंसिल करने का आश्वासन दिया, तब जाकर बाबू साहब को पेड़ से नीचे उतारा गया। खंडवा में 20 सड़क पर एक युवक के ड्रामा करने की तस्वीरें सामने आई हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं युवक भीषण गर्मी और कड़ी धूप में सड़क पर आराम फरमा रहा है। फिलहाल युवक को मानसिक रोगी और शराबी बताया जा रहा है। राहगीरों के बीच युवक का ड्रामा कौतूहल का विषय बना रहा। भिंड जिले के गोहद में कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव के निर्देश पर अवैध कॉलोनियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई। कलेक्टर के निर्देश पर 22 अवैध कॉलोनी के खिलाफ कार्रवाई की गई। एसडीएम पराग जैन ने गोहद की अवैध कॉलोनी के बोर्ड और गुमटियों को जबरदोज कर दिया। कार्रवाई से कॉलोनाइजर्स में हड़कंप मच गया। कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार जो शहरी क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र में नई अवैध कॉलोनियां बन रही हैं, उनके विरुद्ध हम लोगों ने उनके एडवर्टाइजमेंट बोर्ड उखाड़ने की कार्रवाई करी है। दूसरा, जो शहरी क्षेत्र में अवैध कॉलोनियां हैं, उनके प्रकरण के लिए कलेक्टर महोदय को प्रकरण बनाकर प्रेषित किए गए हैं, और ग्रामीण क्षेत्र की अवैध कॉलोनियों के लिए उनकी लिस्टिंग की कर उनको नोटिस जारी किए जा रहे हैं। बुरहानपुर में लेडी सिंघम एसडीएम का एक्शन देखने को मिला है, जहां लेडी सिंघम ने अवैध कॉलोनी पर बुलडोजर चलाने की कार्रवाई की है। लेडी सिंघम एसडीएम का बुलडोजर बुरहानपुर में मोहम्मदपुरा में अवैध कॉलोनी पर चला है। बता दें कि एसडीएम पल्लवी पौराणिक लेडी सिंघम से मशहूर है। उन्होंने कॉलोनाइजर पर कड़ा एक्शन लेते हुए बुलडोजर चलाकर जमींदोज कर दिया। एसडीएम ने खेत मालिक कॉलोनाइजर को फटकार लगाई और बोली, अब तो तुम्हारी एफआईआर ही कराऊंगी। बुलडोजर से अवैध कॉलोनी की बाउंड्री वॉल गिराई, रास्तों को उखाड़ फेंका और पुलिया को भी तोड़ दिया। मोहम्मदपुरा में हमें शिकायत प्राप्त हुई थी कि वन 83 जो कृषि भूमि है उसका बिना आवासीय और बिना व्यावसायिक मतलब प्रयोजन के बिना यहाँ पर कॉलोनी काटी जा रही है, और कॉलोनाइजर के द्वारा यहाँ पर अवैध कृत्य किया जा रहा है। उसकी जांच के लिए हम लोग यहाँ पर मौके पर उपस्थित हुए, तो यह शिकायत और यह सही पाया गया, इसलिए कॉलोनाइजर के खिलाफ हम कार्रवाई प्रस्तावित कर रहे हैं। उधर उज्जैन में फरार शराब कारोबारी पर प्रशासन ने एक्शन लिया है और कारोबारी के अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला दिया। कारोबारी के अलकनंदा इलाके में घर पर बुलडोजर चला है। बता दें कि कारोबारी पर कुछ समय पहले धार जिले में अवैध जहरीली शराब का मामला दर्ज हुआ था। और अब बात करेंगे मुरैना की, जहां रेत माफिया के हौसले बढ़े हुए हैं कि वो अधिकारियों की जान लेने में भी नहीं चूक रहे। ताजा मामला सिविल लाइन थाना क्षेत्र के विक्रम नगर का है। रेत माफिया ने थाना प्रभारी को जान से मारने का प्रयास किया। दरअसल अवैध पत्थर से भरी ट्रॉली पकड़ने से नाराज माफिया ने
ट्रैक्टर को पेड़ पर चढ़ा दिया, जिससे ट्रैक्टर पर सवार थाना प्रभारी जमीन पर गिरकर घायल हो गए। उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से ग्वालियर रेफर किया गया है। पुलिस ने एक ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त किया है और ड्राइवर को अरेस्ट किया है। इस बात पर वो वहां गए तो दो तीन ट्रैक्टर आते हुए दिखे, जिसमें उनको रोकने का प्रयास किया तो दो ट्रैक्टर तो भाग गए। एक ट्रैक्टर चालक ने पुलिस को देखकर बुरी तरह से ट्रैक्टर भगाया, जिसे रोकने का प्रयास किया तो TI सिविल लाइन ट्रैक्टर पर चढ़ गए। उनको उसने जान से मारने की नीयत से तेजी से भगाकर और नीम के पेड़ से टक्कर मारी, जिससे TI सिविल लाइन को गिरने से और उसके टकराने से, ट्रैक्टर से टकराने से चोट आई है, जिससे उनको हॉस्पिटल में लाया गया, यहां से उनको ग्वालियर रेफर कर दिया गया है। जबलपुर हाईकोर्ट ने धर्मांतरण के बिना शादी करने वाली हिंदू लड़की और मुस्लिम लड़के की याचिका पर बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने शादी को अवैध ठहराते हुए दोनों की याचिका खारिज कर दी है। हाईकोर्ट ने मुस्लिम पर्सनल लॉ का हवाला देकर याचिका खारिज की। स्पेशल मैरिज एक्ट में शादी रजिस्टर करवाने और पुलिस सुरक्षा की मांग को लेकर दोनों ने याचिका लगाई थी। भोपाल में News 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। प्राइवेट स्कूल की मनमानी पर सरकार ने बड़ा फैसला दिया। 8 जून तक फीस की जानकारी देनी होगी। स्कूल के पोर्टल पर 8 जून तक डेटा अपलोड करना होगा। 30 जून तक विशेष अभियान चलाया जाएगा। फर्जी किताबों को लेकर यह अभियान चलेगा। जबलपुर में स्कूलों की मनमानी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हो चुकी है और अब यहां अपना डेटा प्राइवेट स्कूल्स को अपलोड करना होगा। 8 जून तक, 30 जून तक ये विशेष अभियान चलाया जाएगा। तो न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर, प्राइवेट स्कूल की मनमानी को लेकर सरकार का यह बड़ा फैसला। 8 जून तक प्राइवेट स्कूलों को फीस जो वो ले रहे हैं उसकी जानकारी देनी होगी। स्कूल के पोर्टल पर 8 जून तक डेटा अपलोड करना होगा। 30 जून तक विशेष अभियान चलाया जाएगा। फर्जी किताबों को लेकर यह अभियान चलाया जाएगा। लोकसभा चुनाव के आखिरी और 7वें चरण के प्रचार का आज आखिरी दिन था। MP के CM डॉक्टर मोहन यादव का चुनावी प्रचार भी आज देखने को मिला। प्रचार अभियान के तहत वो आज पंजाब के दौरे पर रहे। दौरे के दौरान CM डॉक्टर मोहन यादव ने अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में जाकर दर्शन भी किया। तस्वीरों में आप मुख्यमंत्री को देख सकते हैं, यहां पर पगड़ी पहने मुख्यमंत्री नजर आ रहे हैं। उनका अभिनंदन स्वागत किया गया। गोल्डन टेम्पल पहुंचे थे वो, यहां पर उन्होंने मत्था टेका। आज अमृतसर में मैं चुनाव प्रचार के आखिरी दिन भगवान के मंदिर हरमिंदर साहिब में दर्शन करने आया। गुरु महाराज से आशीर्वाद मांगा और कामना की कि भारत आगे बढ़े, दुनिया में भारत का नाम आगे बढ़े, दुनिया के अंदर लोकतंत्र के नाते से भारत की जो पहचान है उसकी और कीर्ति प्रसिद्धि बढ़े। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में फिर एक बार सरकार बने और मुझे जो दिखाई दे रहा है लगातार जिस प्रकार से पूरा देश मोदीमय हुआ है और ये कई जन्मों के पुण्य के पास गुरु महाराज की कृपा हुई है कि फिर एक बार लोकतंत्र गौरवान्वित होगा। एक गरीब परिवार का व्यक्ति देश का फिर सत्ता सूत्र संभालेगा और भारत का मान सम्मान बढ़ाएगा। खास करके मुझे तो इस बात का आनंद है कि करतारपुर गलियारा खुलने के बाद हम तो कामना करें, परमात्मा करे और आगे बढ़ करके आनंद में पंजाब वापस अपना उसी वैभव को प्राप्त करे जिसके कारण से जाना जाता था। सागर मामले में सियासत जारी है। अब वरिष्ठ कांग्रेसी नेता दिग्विजय सिंह ने बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह पर आरोप लगाया है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर कर उन्होंने भूपेंद्र सिंह पर सागर मामले के पीड़ित परिवार वालों को दबंगई वाले अंदाज में समझाने का आरोप लगाया। वीडियो शेयर करते हुए उन्होंने लिखा है कि भूपेंद्र सिंह ने पीड़ित और उसके काका को समझौता कराने के लिए अपने घर बुलाया था और जहां दबंगई और फिल्मी अंदाज में पीड़ित परिवार को समझाइश दी थी। दिग्विजय सिंह के आरोपों पर बीजेपी के मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल ने पलटवार किया।
उन्होंने दिग्विजय सिंह पर हमला बोलते हुए कहा कि अप्रत्याशित हार से पहले कुछ सुर्खियां बटोरने के लिए वो दुखद घटना की राजनीति कर रहे हैं और उनका कहना है कि इस वीडियो में कुछ भी आपत्तिजनक नहीं है। अपनी प्रत्याशित हार से पहले कुछ सुर्खियां बटोरने के लिए एक दुखद घटना पर राजनीति कर रहे हैं। वे स्वयं जवाब दें कि 10 साल की जब उनकी सरकार थी, जब मुलतई में किसानों को भून दिया गया था, तब उनकी संवेदनशीलता कहां थी? और वो तो खुद अपने आप को राजा साहब के नाम से पुकारवाना चाहते हैं, उनके यहाँ लोग खड़े रहते हैं, वो उनको पानी तक नहीं पूछते। तो ये ज्ञान दिग्विजय सिंह जी देना बंद करें। भूपेंद्र सिंह जी के उस वीडियो में कोई कुछ आपत्तिजनक नहीं है। छिंदवाड़ा मामले में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, जहां बीजेपी कमलनाथ और नकुलनाथ के वहां नहीं जाने को लेकर हमलावर है, तो कांग्रेस ने कहा कि दुखद घटनाक्रम पर संवेदना प्रकट की गई है। आशीष अग्रवाल ने इस पर पलटवार किया। कमलनाथ जिस क्षेत्र को अपना गढ़ बताते हैं, इस चुनाव में जिस जनता का भावनात्मक शोषण करते रहे, आज उस परिवार में घटी घटना पर उन्होंने जाना तक तय नहीं समझा। ये दर्शाता है कि भावनाओं से परे वे सिर्फ भावनात्मक शोषण कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार की आप संवेदनशीलता देखिए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं संज्ञान लिया, एक मंत्री को भेजा, मंत्री ने तुरंत जाके वहां पर सहायता राशि दी, शोक संवेदनाएं दी, पर कमलनाथ और कांग्रेस सिर्फ राजनीति करते रहे। तीन विधायक वहां जा चुके हैं, देख चुके हैं, कमलनाथ जी रघुला जी वहां भी है नहीं, जैसे ही पहुंचेंगे तो निश्चित तौर पर जाएंगे। और उन्होंने आज स्टेटमेंट भी दिया है कि इसकी पूरी मुख्यमंत्री जी जांच कराएं और इसमें उच्च स्तरीय जांच करा के इसमें अगर कोई दोषी है तो एक्शन लिया जाए। श्योपुर में जननी एक्सप्रेस के ड्राइवर का प्रसूताओं के परिवार से अवैध वसूली का वीडियो वायरल हो रहा है। मामला विजयपुर नगर के सामुदायिक अस्पताल की जननी एक्सप्रेस गाड़ी के ड्राइवर का है। अवैध वसूली के आरोप लगने के बाद आरोपी पहले रिश्वत लेने से मना करने लगा, लेकिन जब सच्चाई सामने आई तो वो परिवार से राजी खुशी पैसे लेने की बात कहता दिखाई दिया। तो अभी सिरतैयापुरा के लिए थे क्या आपने? जिनसे मांग रहे थे जी 300 300 रुपए मांग रहे हैं लोगों से, जो लोग खड़े हुए हैं तो ये बोल रहे हैं ना आपके सामने 300 रुपए मांग रहे थे आप। ग्वालियर में लड़की के साथ कार में गैंगरेप का मामला सामने आया। नौकरी दिलाने के नाम पर 3 आरोपियों ने लड़की से गैंगरेप किया। बताया जा रहा है कि लड़की के दोस्त ने ही आरोपियों से मुलाकात करवाई थी। पुलिस ने लड़की के दोस्त और गैंगरेप के 3 आरोपियों को अरेस्ट कर लिया है। विश्वास करके वो उनके साथ चली गई कार में, 3 युवकों ने उसको ले जाके हाईवे पे उसके साथ में दुष्कर्म किया। जब बात चिल्लाई अपने बचाने के लिए तो वहाँ पे कुछ लोग आ गए, तो उन्हें देख के वो हाईवे पे छोड़ के भाग गए दुष्कर्म करने के बाद। तो युवती की रिपोर्ट पर से 4 लोगों के विरुद्ध धारा 376D, 323-294, 120B और एट्रोसिटी एक्ट का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में दिया गया।